फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर 7 मई को यानी तीसरे फेज में मतदान होना है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, बातचीत करेंगे। अक्षय यादव यहां पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब मौजूद है। बातचीत खुद कर लेंगे, किस तरह से प्रचार प्रसार सर चल रहा है फिरोजाबाद में, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय पिछले कई महीने से लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और लगभग 90% गाँव में वो जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर मतदाताओं से सीधे उनका संपर्क हो चुका है और जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आप भी सर लगातार प्रचार कर रहे हैं, कई दिनों से आप जो है डटे हुए हैं फिरोजाबाद सीट पर, मूड किस तरह से जनता का देख रहे हैं जब प्रचार करने के लिए आप खुद जा रहे हैं तब? देखिए, मैं तो बहुत चुनाव में रहा हूँ, इस क्षेत्र में भी दूसरे क्षेत्रों में भी, लेकिन हमें अब की बार जो बीजेपी के परंपरागत वोट हैं उनसे भी जैसा सहयोग, उत्साह के साथ सहयोग मिल रहा है ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर भला आदमी गवर्नमेंट के उन कार्यों से सहमत नहीं है जो सत्ता के बल पर या पुलिस के बल पर लोगों का मुंह बंद करके ये लोग कराना चाहते हैं। ये जो 15% ऐसा वोट होता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन वो ये देखता है कि गलत कौन कर रहा है, उसका वो विरोध कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इतने गलत काम किए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, कि उनके परंपरागत वोट भी और जो किसी के साथ नहीं रहते थे वे सब विपक्ष की तरफ जा रहे हैं। और जो बीजेपी को हरा रहा है, और यहाँ तो स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन ही है और लोग हैं वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन और पार्टियां, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो उसी के पक्ष में ये सब लोग जा रहे हैं। इसलिए माहौल हर जगह अच्छा है। पहले दो फेज का चुनाव हो चुका है, मैं वहाँ भी कुछ जगह गया हूँ जहाँ कभी जीता ही नहीं बहुत अरसों से विपक्ष, वहाँ भी लोगों ने बहुत ज़बरदस्त वोट किया है। सर 2014 में जब देश भर में बीजेपी जीती थी और मोदी लहर उस वक्त चल रहा था, उस वक्त भी फिरोजाबाद सीट पर अक्षय यादव की जीत हुई थी, लेकिन 2019 की बात करते हैं तो बीजेपी के पास ये सीट चली गई थी। इस बार लग रहा है कि सांसद का भी विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, इसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को होगा 24 में? देखिए, 2019 में भी हारते नहीं, वो हमारा पारिवारिक कुछ विवाद हो गया था इस वजह से हार गए, तो वरना तब भी नहीं हारते। बीजेपी के मौजूदा सांसद का टिकट काट के नया व्यक्ति दिया गया है और जो नए हैं उनके पिताजी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो हमारी मूल पार्टी थी उससे 67 में एमपी रहे थे फिरोजाबाद से, ब्रजराज सिंह जी बहुत अच्छे एमपी थे, उनकी माँ भी चुनाव लड़ी थी। फिर ये लड़के ये बीएसपी से चुनाव लड़े 14 में और बीजेपी के जो वर्कर थे वो खड़े रह गए, बीएसपी से आए उन्हें टिकट दे दिया। तो हमें लगता नहीं है कोई ठीक तरीके से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कल परसों, तो सड़कों पर चहल पहल ही नहीं कहीं दिखी, वरना पहले आते थे मुख्यमंत्री या किसी पार्टी के बड़े नेता तो ट्रैक्टर आया करते थे, गाड़ियां आती थी, झंडे लगे हुए आते थे, सब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। कोई सामान्य सा जैसे हमारी कहीं मीटिंग होती है ऐसे मुख्यमंत्री की मीटिंग होने लगी। तो ये बीजेपी के प्रति लोगों में कोई उत्साह है ही नहीं। सर एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री खूब प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री खुद एक एक सीट पर जा रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे प्रचार के लिए, और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद जैसा आरोप लगा रहे हैं, इसके साथ ही गुंडागर्दी का भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में होती थी, किस तरह से इन आरोपों को देख रहे हैं? आपने, मैं कल एक वीडियो क्लिप आई थी देख रहा था कि एक विधायक राजस्थान में
बीएसपी के सिपाहियों को मारने लग गए होते और पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही थी और उसको एक किनारे करके वो बूथ में घुस गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से झगड़ा होने लगा, तब उन्हें पकड़ के ले जाया गया बाहर। समाजवादी पार्टी के लोग तो ऐसा कभी नहीं किए, एक एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये बड़े लोग हैं, एक हमारे कहावत है कि कहावत क्या, वो तो इंग्लैंड में है कहावत कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि राजा कोई गलती नहीं करता। इसलिए मोदी जी कहें, गृहमंत्री कहें, मुख्यमंत्री कहें, कहते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। परिवारवाद का भी आरोप लगा रहे हैं सर कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी में, ये आरोप लगाने का उन्हें हक नहीं है, लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की गरिमा को देखते हुए, उनके पद को देखते हुए, मुख्यमंत्री के पद को देखते हुए, वो हमारे भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, हम कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहते जो ठीक ना हो। इसलिए मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि पिता होने के नाते ये सवाल पूछ रही हूँ आपका कि आप अक्षय यादव के पिता हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, लग रहा है कि कितने नंबर से जीतने जा रहे हैं आप? 100% आश्वस्त हूँ, 99 भी नहीं, 100%। जनता का जो समर्थन मिल रहा है, और यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने इस क्षेत्र में काम ही नहीं किया। आप देखिए, मैंने इसको कॉरपोरेशन बनवाया, नगर निगम बनवाया फिरोजाबाद को, और नगर निगम बनने से ये लाभ हुआ कि बहुत सारा गवर्नमेंट की जब स्कीम चलती हैं तो पैसा भी मिला, विकास हुआ। फिरोजाबाद में पानी खारा आता था, तो बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़े लोग भी फिरोजाबाद में पैसे वाले, वे तो मिनरल वाटर पीते थे, नहाते भी मिनरल वाटर थे, लेकिन जो गरीब आबादी है उसको पानी पीने की दिक्कत थी। लड़कियों के बाल गिर जाते थे, इतना ख़राब पानी, नहाना तो पड़ेगा ही, नहाएंगे तो बाल चिपकेंगे और गिरेंगे बाल, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। और बहुत अरसे से लोग ये मांग उठा रहे थे किस तरह से इसका हल हो। जब अच्छे चुनाव लड़े यहाँ से, उससे पहले अखिलेश एक बार लड़े थे चुनाव, जीते थे अखिलेश यहाँ से, MP हुए, तो दीवालों पे ही लिखा हुआ था, मैं निकल रहा था, यही रास्ता थी, एक्सप्रेसवे बना नहीं था तब, दीवालों पे लिखा था कि अखिलेश भैया आएंगे, मीठा पानी लाएंगे। मैंने एक दिन गाड़ी रोक के लोगों को पूछा कि इस नारे का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, बोले साहब यहाँ खारा पानी है, तो ये कहा था कि अखिलेश जब आ जाएंगे तो मीठा पानी लाएंगे। तो जब अच्छे MP बने और अखिलेश मुख्यमंत्री बने, तो मैंने पहला काम ये किया कि इंजीनियर से और तत्कालीन प्रमुख सचिव सिंचाई से बात करके कहा कि सर्वे कराइए कि पानी कैसे आ सकता है यहाँ। तो जेड़ा झाल से 25 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई गई, उससे 6 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन लाए गए, 2 रिजर्वॉयर बहुत बड़े बने और ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए ताकि शुद्ध गंगा जल आ सके। और पूरे फिरोजाबाद नगर की जो पानी की लाइन थी वो सब दोबारा नई डाली गई और घर घर शुद्ध गंगा जल पहुँचाया। इतना बड़ा काम फिरोजाबाद में न पहले फिरोजाबाद का किसी ज़िले में कभी नहीं हुआ, यहाँ तो पूरा खा। और उससे एक और लाभ ये हुआ कि इसे बंद करो, हटाओ, बंद करो। एक दूसरा काम ये हुआ कि जो नहर आई वो इलाका भी सब खारा था, ट्यूबवेल लगाएं तो खारा पानी निकलता था तो फसल जल जाती थी। अब उसके किनारे जो खेती है आसपास, कोई पानी की कमी नहीं, और आप अभी जाएंगे, जब जाएं तो हरी भरी खेती दिखाई पड़ेगी, हर तरह का कुछ नहीं होता था, वो लोग संपन्न हुए किसान। तो इतना बड़ा काम हुआ था, निगम बनवाया, सिरसागंज को नई तहसील बनवाई, और बहुत डेवलपमेंटल काम हुए, बहुत डेवलपमेंट। गांव गांव आप जाएंगे, कुछ क्षेत्र तो ऐसे सैचुरेट हो गए थे सिरसागंज वगैरह, जिसमें आप किसी गांव में जाइए आपको बहुत बढ़िया, कहीं दिक्कत नहीं होगी, सड़कों से चले जाएंगे बहुत तरीके से। तो अब इसके बाद 19 से लेके 24 तक एक भी काम बीजेपी का कोई नेता नहीं गिना सकता जो हुआ हो। उस वक्त भी मैंने अखिलेश जी से कह के, मुख्यमंत्री थे,
एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ विभाग की स्कीम थी, मैं हेल्थ कमेटी का 7 साल चेयरमैन रहा हूँ। तो ये था कि दिल्ली की सरकार और राज्य सरकार मिलके नए जो जिला अस्पताल हैं उनको कहीं कहीं अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाएगी। वो भी मेडिकल कॉलेज बनवाया मैंने ऐसे फिरोजाबाद में, नड्डा साहब ने, मैंने साथ साथ उसका शिलान्यास किया था। नड्डा साहब तब स्वास्थ्य मंत्री थे। तो सारा काम जो फिरोजाबाद में आप देख रहे हो वो समाजवादी पार्टी के ज़माने में हुआ। उस दौरान जो अखिलेश जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया उसका इतना बड़ा लाभ हुआ है फिरोजाबाद क्षेत्र को, क्योंकि जैसे ही आगरा की सीमा ख़त्म होती फिरोजाबाद शुरू हो जाता है, तो फिरोजाबाद से लेकर इटावा यहीं से होके जाती है। तो जो भीड़ वाला इलाका था जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ इसकी जो सर्विस लेन है उससे सारे गाँव कनेक्ट हैं, कहीं से जाइए कहीं पहुँच सकते हो। अब एक गाँव में मैं गया गोढ़ा में, वहाँ के योगी राज हैं, आगरा में रहते हैं, मैं उनके गांव में गया। हमने कहा क्या हाल है, कैसा हाल ये है कि जब आगरा से चलते हैं तो टेलीफोन कर देते हैं कि चाय रखना, और मैं पहुंचता हूं, जब पहुंचता हूं तब तक चाय बन जाती, वहां से आगे चाय के कहते हैं आगरा में, और घर आ जाते हैं चाय बन जाती। और पहले सोचना पड़ता था कि कैसे जाएँगे किधर से जाएँगे। लोग बटेश्वर भगवान महादेव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तो पहले घूम के आना पड़ता था। अब सीधे नसीरपुर कट पे उतरते हैं, वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है, 1 घंटे में बटेश्वर रोके जो तीर्थ को जाना चाहते आराम से, लोगों को सुविधाएं हो गई, तो है बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन अब गवर्नमेंट उसमें तिकड़म कर रही, नसीरपुर कट पर पूरे गांव की ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है। मैं गया था उस दिन, एक दिन गया था, लड़कों ने कहा कि क्रिकेट के मैच का उद्घाटन कर दो, तब गांव के लोगों ने कहा कि सर हमारे गांव की सब ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। क्यों, कि यूपीडा कर रही है। मैंने यूपीडा के जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री के सचिव भी है, प्रमुख सचिव, उनसे मैंने कहा, उन्हें मालूम नहीं था, और बताओ तो ये किस लिए किया जा रहा है। पता चला कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज़मीन एक्वायर कर रही गवर्नमेंट कर रही है। ये कोई गवर्नमेंट में इंडस्ट्रीज करना चाहता है तो मैन टू मैन किसान से बात करें किस रेट पर खरीदेंगे, और कोई बेचना ही नहीं चाहेगा, वही रोजी रोटी का साधन किसानों का वही है। अब ये सब काम कर रहे हैं उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ज़मीन एक्वायर करके देंगे कि आप ये करो। तो जो हम लोग कर रहे हैं इनको बिगाड़ने का और काम कर रहे हैं, नया तो कुछ कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक के चुनाव को देखकर सर क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? हमें लगता है कि बीजेपी 4-6 सीटों से ज़्यादा जीतेगी नहीं उत्तर प्रदेश, जीतेगी नहीं, क्योंकि जब जनता का रुख खराब होता है तो ऊपर से अंदाज लगाना ही मुश्किल होता है। ये लगता है कि हम जीत रहे, लेकिन ये नहीं लगता कि कितनी बड़ी जीत हो रही है। जो हार रहे होते हैं वो भी जीत जाते हैं। हम फर्स्ट फेज में कोई सीट नहीं हार रहे, कोई भी, जबकि तो अब तो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं मीडिया के वो भी कहने लगे कि एक भी सीट जो है, तो 3 सीटें थी 8 में पहले बीजेपी के पास, किसी को रिटेन नहीं कर पा रहे। यहाँ तो कुछ नहीं, एक तरफा मुकाला हो जाएगा 3 दिन बाद। यहाँ 4 तारीख को सुना है एक प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, 4 तारीख को अखिलेश भी आ रहे हैं। अखिलेश के आने के बाद यहाँ कोई चुनाव नहीं बचता, इज सच ए पॉपुलर पर्सनैलिटी। बहुत शुक्रिया सर। देखिए साफ तौर पर कहना है कि फिरोजाबाद सीट पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है, विकास कार्य, जनता से जुड़ा हुआ, उसका नतीजा ये रहेगा कि 4 जून को बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की, एक तरफा मुकाबला फिरोजाबाद में देखने को मिलेगा। अब देखना होगा 4 जून को कौन फिरोजाबाद सीट से जीतता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, फिरोजाबाद।